हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेट्रो मॉम। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी का वीकेंड काफ़ी अच्छा गया हो, बिकॉज हमारा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। समायरा के ग्रैंड पेरेंट्स आए हुए और हम उनके साथ बहुत सी मस्ती कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने एक छोटी सी रोड ट्रिप भी करी जो कि समायरा की फर्स्ट रोड ट्रिप थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था समायरा का भी और हमारा भी। मे बी आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि समायरा का पहला रोड जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको सच में मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो न्यू मॉम्स के लिए स्पेशली बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, बिकॉज मैंने जो भी आज बताने का सोचा वो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है एज ए फर्स्ट टाइम मॉम। आज हम बेबी के कपड़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करें कम से कम स्पेस में, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कपड़े और जो भी उनके बेबी के सामान होते हैं वो सब कुछ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब समायरा का बर्थ हुआ था उससे पहले मैंने कोई इसके लिए कोई स्पेशल अलमीरा या कोई जगह नहीं सोची थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बच्चों के कितने कपड़े होते हैं या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बर्थ के बाद जब हमने कपड़ों को रखना शुरू किया तो मैंने अपने ही अलमीरा में थोड़ी सी जगह बनाई, लेकिन होता क्या था कि मेरी अलमीरा में उसके कपड़े गुम हो जाया करते थे और बड़ी प्रॉब्लम होती थी, ढूंढो सॉक्स और निकलता कुछ और था, तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन होता था। और आपको पता है कि न्यू बॉर्न के साथ हमेशा ही इमरजेंसी सिचुएशन होता है, कभी पॉटी कर दी, कभी सुसू कर दी, कभी वॉमिटिंग, कभी स्पिटिंग, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ठंड का टाइम हो तो आपको और भी ज़्यादा कपड़ों को ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे कहीं गीले कपड़ों में तो नहीं है। उसके बाद मैंने बेबी के लिए एक ड्रेसर खरीदा, चेस्ट ऑफ ड्रॉअर भी जिसको आप कह सकते हैं, वो खरीदा मैंने। बट आफ्टर अ वाइल मुझे लगने लगा कि इसमें तो बड़ी कम जगह है, मैं इसमें कैसे कपड़े रखूं, बच्चों के तो इतने सारे कपड़े होते हैं वो मैं कैसे रखूं। फिर मैंने बहुत रिसर्च करी इंटरनेट पे, देखा कि बच्चों के कपड़ों को कैसे फोल्ड करें, कम से कम स्पेस में ज़्यादा कपड़ों को कैसे रखें, एक छोटे से ड्रेसर को कैसे कम्प्लीटली यूटिलाइज करें, ये सब मैंने सीखा। और मैंने अब उसी पैटर्न पे समायरा के कपड़ों को रखना शुरू किया है और तब से मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी, जिसको कभी कुछ नहीं मिलता, उनको भी बहुत आराम से समायरा की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि आप ड्रॉअर खोलेंगे और आपको सब कुछ सामने ऑर्गेनाइज दिखाई देगा। तो इस वीडियो में मेरे यही मैंने बताया है कि कैसे सामान को आप ऑर्गेनाइज करें, बच्चों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि आपकी लाइफ और आपके घर वालों की लाइफ भी ईजी हो सके। ड्रेसर टूर की शुरुआत टॉप से करते हैं। जो मेरा ड्रेसर का टॉप है उसको मैंने कुछ सामान, जो बेसिक ज़रूरी सामान होता है उसको स्टोर करने के लिए रखा हुआ है। आपको यहाँ पर दो ट्रे दिखाई देंगे। फर्स्ट ट्रे में बेबी के जो डायपर रिलेटेड आइटम होते हैं, जैसे कि डायपर, बेबी वाइप्स, डायपर चेंजिंग मैट वगैरह रहता है। और सेकेंड ट्रे में उसके नहाने और स्किन केयर से रिलेटेड सामान रहते हैं। फिर उसकी कुछ बुक्स है जो वो कभी कभी देखती है, फिर कुछ और बुक्स हैं जिनको स्टोरी बुक्स वगैरह हैं जो जिनके वो देखना पसंद करती है। फिर उसके फॉर्मूला मिल्क और एक बॉटल फ्लास्क है, इसमें हम उसका गर्म पानी स्टोर करते हैं फॉर्मूला मिल्क के लिए। यहाँ पे बेबी का नाइट ड्रेस टंगा होता है, जो मोस्टली उस दिन उसको रात में पहनना होता है, वो पहले ही निकाल देने से ईजी होता है कि आपको अब हड़बड़ी में मसाज के बाद ढूंढने की जल्दी नहीं रहेगी, तो ये पहले ही से निकाल के टंगा होता है रात के लिए। तो चलिए फर्स्ट ड्रॉअर से शुरुआत करते हैं। जो मेरा फर्स्ट ड्रॉअर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कार्डबोर्ड के थ्रू तीन सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। होता क्या है कि अगर ड्रॉअर में सेक्शंस ना हो तो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं और फिर ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आपको तो पता है कि बच्चों के साथ कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है और सामान ढूंढने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो ऐसे टाइम पर अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज हो तो बड़ा आराम रहता है। तो ये मैंने कार्डबोर्ड काट के तीन सेक्शन डिवाइड कर दिए। और सामान मैं आपको बताऊं तो इसमें पहले सेक्शन में मुलायम ये वॉश क्लॉथ हैं जो उसके बेबी के फेस को पोछने के काम में आते हैं। फिर ये इसमें बिब्स हैं, जैसे ये जो बिब्स हैं ये इसमें सब में प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, तो जैसे अगर बच्चे को लिक्विड जैसे मिल्क या सूप वगैरह पिलाना हो, पानी पिलाना हो, जिसमें जहाँ पर कपड़े ज़्यादा गीले होने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर हम ये वाला बिब यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ पीछे की और कपड़ों के बिब्स हैं जो मोस्टली सॉलिड खाते समय यूज़ करती है। नेक्स्ट सेक्शन में थोड़े बड़े बेबी टॉवल्स हैं जो हम मोस्टली इसके नहाने के बाद यूज़ करते हैं,
या फिर बॉडी वगैरह पोंछनी हो तब यूज़ करते हैं। थर्ड सेक्शन में ये इसके वेस्ट और अंडर पैंट्स हैं और पीछे एक स्विम सूट रखा है। तो ये आप देखेंगे इतने छोटे से ड्रॉअर को मैंने कितने अच्छे से यूटिलाइज़ करा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू सेक्शंस। तो आप कार्डबोर्ड काट के बड़े आराम से डिवाइड करेंगे और आपको बहुत स्पेस मिल जाएगा। चाहे तो आप इसमें दो और सेक्शंस लगा सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल सेक्शंस डाल सकते हैं इसमें। चलते हैं सेकंड ड्रॉअर की ओर। सेकंड ड्रॉअर मेरा मोस्टली निक नैक ड्रॉअर है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि बेबी की डेली यूज़ की दवाइयाँ या उसकी कुछ सिल्वर ज्वेलरी है जैसे कि बैंगल्स और पायल वगैरह, वो सब इसमें रखा रहता है। फिर बेबी के टीदर्स हैं और इसमें बेबी के हेड बैंड्स हैं जो वो बाहर पहन के जाती है, हेयर बैंड वगैरह। चलते हैं थर्ड ड्रॉअर की ओर। थर्ड ड्रॉअर में उसके सारे मोस्टली घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं समायरा के। और आप देखेंगे कि ये ड्रॉअर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी कपड़ों को फोल्ड करने की टेक्निक की वजह से इसमें इतने सारे कपड़े आ पाए, वरना बहुत मुश्किल था इतने से स्पेस में इतने सारे कपड़ों को स्टोर करना। तो जैसे कि आप देख पाएंगे इस सेक्शन में इसके सारे बॉडी सूट्स हैं, जो फुल बॉडी सूट्स हैं जो रात में वो सोते समय पहनती है। ये पूरे बॉडी को कवर करते हैं। क्या बेबीज़ की क्या आदत होती है कि वो ब्लैंकेट नहीं ओढ़ते हैं तो एसी में ठंड लग सकती है। तो इस केस में ये सारे जो फुल बॉडी सूट्स होते हैं बहुत यूज़फुल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में भी बॉडी सूट्स ही हैं। उसके बाद टी शर्ट्स और वनजीज मिक्स्ड है। वनजीज वो दिन में पहनती है समर्स में जिससे कि उसे गर्मी ना लगे, और ये सारे भी टी शर्ट्स ही हैं जो वो रात में अगर बॉडी सूट पहनने का नहीं मन है तो हम उसको ये टी शर्ट्स पहनाते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बॉडी सूट नहीं पहनाते, ये सारे टी शर्ट्स पहनाते हैं। अब देखिए इतने से स्पेस में अराउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टी शर्ट्स आ गई है इतनी से स्पेस में। और लास्ट में सारे इसके पजामा हैं जो वो पहनती है। अब चलते हैं हमारे फोर्थ ड्रॉअर की ओर। फोर्थ ड्रॉअर में मोस्टली उसके फ्रॉक्स हैं और एक सेक्शन इंडियन वेयर का है। इंडियन वेयर में ये इसके दो छोटे छोटे लहंगे हैं जो हमने फेस्टिव ओकेशंस के लिए रखे हुए हैं। अगर कोई इंडियन फेस्टिवल में जाना है तो उसके लिए ये सारे दो लहंगे हैं। फिर ये उसके कुछ फ्रॉक्स हैं, कुछ घर पे पहनने वाले फ्रॉक्स हैं, ये सारे आउटिंग वाले फ्रॉक्स हैं, ये सारे इसके फ्रॉक्स हैं। कुछ मिक्स्ड फ्रॉक हैं, कुछ आउटिंग के लिए हैं, कुछ लाइट हैं, कुछ हैवी हैं। तो ये सारा फ्रॉक है। और नीचे में मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह रखी हुई हैं इनकेस हमें डॉक्टर के पास जाना हो तो। ये सारा उसका इसमें उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल वगैरह रहता है। तो ये ऐसे स्टोर कर रखा है मैंने फोर्थ ड्रॉअर में। और ये है फिफ्थ ड्रॉअर जिसमें मोस्टली उसके बड़े बड़े टॉवल्स हैं जो बेदिंग के बाद हम यूज़ करते हैं, इसको नहलाने के बाद ये सारे टॉवल्स को हम यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास हमने स्टोर कर रखे हैं जो उसके थोड़े बड़े साइज़ के कपड़े हैं जो अभी वो नहीं पहन रही है, किसी ने गिफ्ट किया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर स्टोर कर रखी है जो हमें अभी तुरंत नहीं पहनाना है। चलिए अब देखते हैं लास्ट ड्रॉअर। लास्ट ड्रॉअर में हम मोस्टली एक्स्ट्रा सप्लाइज रखते हैं, जो भी जैसे कि पाउडर है या उसके सोप है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा सामान है वो सब हम यहाँ स्टोर करते हैं। ब्रश वगैरह, बॉटल क्लीनिंग ब्रश है, कुछ और बड़ी साइज़ के कपड़े हैं जो वो कम से कम 5 से 6 महीने बाद यूज़ होंगे, किसी ने गिफ्ट किया है वो सब हम यहाँ रखते हैं। ब्रेस्ट पम्प है जो ओकेजनली यूज़ होता है, ब्रेस्ट पैड है, एक्स्ट्रा ब्रेस्ट पैड्स हैं। तो जितनी भी ना यूज़ होने वाली चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ड्रॉअर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, टोटल जो ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, लेकिन आप अगर इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करेंगे। ये था मेरा बेबी क्लोथ ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। आई होप आप सभी को काफ़ी यूज़फुल लगा, और अगर आप इनमें से कोई भी टेक्निक को यूज़ करिएगा तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कॉमेंट भी करिएगा। देखते रहिए मेट्रो मॉम।